भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है, हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था बनने करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए, और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवेदना व्यक्त करी छे, जे दुर्घटना सर्जाई छे तमाम लोगों का आभार व्यक्त करो छे कि जेमने मदद करी छे। उड़ीसा सरकार का आभार व्यक्त करो छे जे रात भर जे बचाव राहत कामगिरी चाली छे। स्थानिक लोगों का आभार व्यक्त करो छे अने तमाम लोगों ने हिम्मत थी आगळ वधवानी वात पण करवामां आवेली छे। 43 ट्रेनों आज रद्द पण थई छे अने आ घटनाक्रमनी वच्चे खबर अंतर पूछा छे। बालासोर हॉस्पिटल पहोंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए, कारण के 900 थी पण वधु लोकोने इजा पहोंची छे, केटलाकने गंभीर हालतमां छे अने त्यार पछी बचाव कामगिरी पूरजोशमां चाली रही छे। सौथी पहला प्रधानमंत्री घटनास्थळ पहोंचे छे, ज्यां अकસ્માત થયો ત્યાં તેઓ ગયા। સમગ્ર ઘટનાથી જાત નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને માહિતી મેળવી અને ત્યાર પછી બાલાસોર હોસ્પિટલ પહોંચે છે। ત્યાં પણ જે લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે એમને ખબર અંતર પૂછ્યા હતા અને પીડિત પરિવારો માટે સંવેદના પણ વ્યક્ત કરી હતી। પ્રધાનમંત્રીએ જે વાત કહી છે, તમામ જે લોકો જે સ્થાનિક જે લોકો હતા એમને પણ ખૂબ મદદ કરી છે, કારણ કે આખી રાત આ બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે, રાહત બચાવ કાર્ય પૂરજોશમાં હજુ પણ ચાલી રહ્યું છે અને જે પણ લોકો 900 થી પણ વધુ લોકો
ने इजा पहुंची है। तमाम जे इजाग्रस्त है खबर अंतर पूछा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। बालासोर हॉस्पिटल पहुंचा अने त्या आ तमाम लोगों खबर अंतर पूछवामां आवी रह्या छे। प्रधानमंत्री आ खबर अंतर पूछा छे। मारी पासे आ दुखना समय बोलवा माटे शब्दो नथी। प्रधानमंत्रीए संवेदना व्यक्त करी छे। आवी दुर्घटनाओथी आपणे घणुं शीखीशुं अने सुधारो करीशुं। आ प्रकारनी वात प्रधानमंत्रीए करी छे। आ दुखनी घड़ी छे। आपणे प्रार्थना करीए कि आ परिवारजनों माटे सरकार तमाम मदद करी रही छे, करशे पण। दृश्यो विचलित करी देवा छे। प्रधानमंत्री आ वात कही छे। स्थानिकोए खूब मदद करी छे। प्रधानमंत्रीए आ समग्र घटना बाद હોસ્પિટલ મુલાકાત બાદ શું કહ્યું છે સાંભળીએ। અસહ્ય વેદના મેં અનુભવ કર રહા હું ઓર અનેક રાજ્યો કે નાગરિક ઇસ યાત્રા મેં કુછ તો કુછ ઉન્હોને ગવાયા હૈ જિન લોગોને અપના जीवन खोया है। ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहां के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था बनने करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में, आगे रिलीफ के लिए, और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें,
इन परिजनों के लिए। उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना पर प्रधानमंत्री संवेदना व्यक्त करी है। पीड़ित परिवार प्रत्ये संवेदना व्यक्त करे छे। घटना की वेदना हूँ अनुभवी रहूँ छू। प्रधानमंत्री आ बात करी है। दोषितों ने छोड़ाशे नहीं। प्रधानमंत्री पण आ बात कही है। भोग बननार परिवार प्रत्ये संवेदना है। घटना से सीखीशू और व्यवस्था सुधारीशू। प्रधानमंत्री आ बात करी है।